हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई में श्रोता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जियोग्राफी का एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको गागर में सागर की बातें बता रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी रेलवे, जेएसएससी, पुलिस, झारखंड पुलिस इत्यादि में महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं भारत का परिचय, अर्थात भारत को किस किस नाम से जाना जाता है और भारत का क्षेत्रफल कितना है और कितने राज्य हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, भारत परिचय अर्थात भारत के परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। तो भारत कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अगला यहाँ कह रहा है पॉइंट है, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुर्थ कोणीय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तब इसका आंसर हो जाएगा 3283 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में कितना है, तो 2.42% है। इसके बाद भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। यह राजधानी कब बनाई गई, तो 1912 में लॉर्ड हॉकिंग के द्वारा इसे नई दिल्ली बनाई गई। इससे पहले हमारा राजधानी क्या था, तो कोलकाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो हमारा है हिंदी। यह कौन सी लिपि से ली गई है, तो देवनागरी लिपि से ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो गोंड, जो कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में स्थान कितना है, भारत का कितना स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का कितना स्थान है, तो पहले दूसरा था लेकिन अब पहला हो गया है। इसके बाद अगला देखते हैं, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करते थे कितना, 17.5% निवास करते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो 32 14। अगर आप इसको नहीं याद करने पाते हैं, तो इसके लिए आपको एक याद करना होगा, तीन राम से भी आप याद कर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यह 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 1 4 हो गया। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण में कितनी विस्तार है, तो 32 14 याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो 29 33 है किलोमीटर है। जबकि अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, सबसे पूर्वी बिंदु का कौन क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में यहाँ बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु कितना क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सर्किक, जो गुजरात में है। इसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगला है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट, जिको निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है कितना दूरी है, तो 876 किलोमीटर है। जबकि अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम लोग मुख्य बिंदु भूमि का दक्षिणी नोक है, क्या है, तो कैप
कोमोरिन जिसको कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। इसके बाद अगला देखते हैं द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 247 है जिसमें से 204 बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थल को स्थलीय सीमा देखते हैं, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय जिसको हम लोग नदियाँ बोलते हैं या स्थलीय भाग कहते हैं कि कुल लंबाई कितना है, तो 7,516.5 किलोमीटर है। जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय कितना है, तो 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 88.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है कितना अंतर है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो अब पहले 29 था लेकिन अब 28 हो गया है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो पहले 7 था लेकिन अब 8 हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों को छूती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तो समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की प्रायद्वीप जल सीमा कितना है, तो 1200 समुद्री मील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं एक समुद्री मील बराबर होता है कितने किलोमीटर, किलो के बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर की बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका है मित्र पर गमछा चारू अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य है तो कौन सा है, तो गोवा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूनतम नगरीयकृत राज्य है तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वनांक्षित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे न्यूनतम वनांक्षित राज्य कौन सा है, हरियाणा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, मासिनराम जो मेघालय में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ होती है, लेह जो कश्मीर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम बर्तन है कौन सा बर्तन है, तारावली की जो राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, हिमालय है जिसे हम लोग वलित पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीन पर्वत क्या है, अरावली है जो राजस्थान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, हिमालय है जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सर्वाधिक पूर्व
पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका नाम नेफा रखा गया, पुराना नाम नेफा था। तो इस तरह से मैं आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।